तो दोस्तों एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 775 बियरिंग एंड नॉन बियरिंग मोटर में डिफरेंस। दोस्तों एक्चुअली दोस्तों इस दोनों मोटर में दोस्तों डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों सभी लोगों के अंदर एक ही कन्फ्यूजन रहता है कि दोस्तों मेनली डिफरेंस क्या आता है इस दोनों टाइप के मोटर के अंदर। तो हम लोग इस वीडियो में इस दोनों टाइप के मोटर का पूरा टेस्ट करेंगे। मेनली दोस्तों इसका RPM टेस्ट करेंगे 6, 12, 18, 24 वोल्ट पे। एंड दोस्तों टेस्ट करेंगे इसका करंट कंजम्पशन का। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा बियरिंग वाला मोटर दोस्तों, एंड वो वाला था आपका नॉन बियरिंग 775 मोटर। दोस्तों दोस्तों डिफरेंस है दोस्तों, ऊपर में दोस्तों एक का बियरिंग लगा हुआ है और एक का बियरिंग नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि मेनली क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में, कौन सा किसके लिए बेटर होगा। तो पहले दोस्तों हम लोग इसका डायमेंशन मेजर कर लेंगे। तो दोस्तों डायमीटर तो दोनों का ही मेनली सेम है दोस्तों, 44 mm, मतलब आपका विथ मैग्नेटिक शील्ड देकर। चलिए अभी मेजर करते हैं पूरा लेंथ जो है आपका इसका 98 mm बियरिंग वाला का, और दोस्तों अभी मेजर करें नॉन बियरिंग वाला जो है उसका भी दोस्तों अराउंड सेम है 98। और जो सेफ्ट का जो डायमीटर होता है आप लोगों को पता है, ये सेफ्ट का डायमीटर दोस्तों 775 का स्टैंडर्ड होता है 5 mm का। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग पहले इसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं वो तो है दोस्तों 12, 6, 12, 18 and 24 वोल्ट का DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसका दोस्तों मैक्सिमम है आपका 10 ampere। तो दोस्तों अब हम लोग मेजर करेंगे इसका नो लोड करंट दोस्तों। तो अभी 6 वोल्ट पे टेस्ट हो रहा है, 6 वोल्ट पे दोस्तों इसका नो लोड करंट आया है आपका नियरली, मतलब बियरिंग मोटर का 0.18 amps, दोस्तों बहुत ही कम है। अभी दोस्तों प्रॉपर बियरिंग मोटर हम लोग टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट कर रहे हैं 12 वोल्ट पे दोस्तों। तो 12 वोल्ट पे जो करंट आ रहा है हम लोगों का 0.2829 ऐसा कुछ दोस्तों। तो मतलब कि आपका जो वाटेज हुआ वो आपका 3.5 watt नो लोड पे, मतलब दोस्तों मोटर के ऊपर कोई भी लोड नहीं है, मोटर फिर रोटेट कर रहा है। तो अभी हम लोग 18 वोल्ट पे टेस्ट कर रहे हैं। तो 18 वोल्ट पे आपका 0.39 amps और 7 वाट के करीब आया। तो चलिए अभी चलते हैं 24 वोल्ट पे। तो दोस्तों 24 वोल्ट 0.47 amps और 11.3 watt। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे 775 नॉन बियरिंग मोटर में। तो चलिए अभी 6 वोल्ट, तो देखिए 6 वोल्ट पे करंट का कंजम्पशन कितना ज़्यादा आ रहा है 0.35, जहाँ पे उधर पे आया था 0.19 35, मतलब पहले दोस्तों इसका 2 watt हो गया। अभी चलिए 12 वोल्ट पे चलते हैं, देखिए उधर था 0.39 समथिंग कुछ था, इधर 0.4847 ऐसा कुछ आपका करंट कंजम्पशन हो गया, मतलब ज़्यादा हो रहा है 5.6 watt। अभी करेंगे 18 वोल्ट पे टेस्ट। तो 18 वोल्ट पे दोस्तों ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही आना भी चाहिए आपका 0.58 amps और 10 watt, 10.5 watts के करीब। अभी 24 वोल्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 24 वोल्ट पे जो आया है करंट वो है आपका 0.66 amps एंड दोस्तों पावर 15.8 watt। तो दोस्तों हम लोगों का एक बात तो एकदम सही हो गया कि नॉन बियरिंग का करंट कंजम्पशन बियरिंग से बहुत ही ज़्यादा है। अभी हम लोग नॉन बियरिंग का RPM टेस्ट करेंगे दोस्तों, कि RPM कितना होता है, जैसे कि बोला कि पहले टेस्ट करेंगे 6 वोल्ट पे।
तो दोस्तों 6 वोल्ट पे आरपीएम 2200 है। अभी चलिए 12 वोल्ट पे चलते हैं। ट्वेल्व वोल्ट पे दोस्तों 6000 आया है स्टैंडर्ड, जो है आपका नॉन बेयरिंग का आरपीएम 6000 स्टैंडर्ड होता है। अभी 18 वोल्ट पे चलते हैं। 18 वोल्ट पे दोस्तों आया 9600। अभी चलते हैं 24 वोल्ट। 13300। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि आरपीएम इतना है, एंड्रॉइड से कांड कंसम्पशन ज़्यादा है। तो आप लोगों में से जितने भी आप 16 डायरेक्ट मोटर को यूज़ करना चाहते हो, उन लोगों के 775 बियरिंग मोटर सबसे बेस्ट है। दोस्तों अभी बियरिंग मोटर का आरपीएम टेस्ट हो रहा था तो 6 वोल्ट पे निकला आपका 2400 आरपीएम ज़्यादा था उससे। तो अभी 12 वोल्ट पे टेस्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो सोलर सेल में जो डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे तो 77 बियरिंग मोटर बेटर होगा। कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग इस सब में यूज़ करोगे तो आपका बेटर रहेगा बियरिंग मोटर 6500 आपका 12 वोल्ट पे। अभी चलिए चलते हैं 18 वोल्ट पे। 18 वोल्ट पे दोस्तों 10500 दोस्तों जहाँ पर वहाँ पर था आपका 9600। अभी 24 वोल्ट। 16000 दोस्तों जहाँ पर वहाँ पर था आपका 13300। तो देखिए कितना ज़्यादा आरपीएम में डिफरेंस हो, आप इस चार्ट में देख लीजिए। पहले आपका वोल्टेज बियरिंग, उसके बाद नॉन बियरिंग, पूरा समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है बियरिंग एंड नॉन बियरिंग में। क्यों मैं बोलता हूँ कि आप बियरिंग ले लीजिए, नॉन बियरिंग को छोड़ दीजिए। तो ये रहा दोस्तों अल्टीमेट बात। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया, एंड दोस्तों पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में। एंड दोस्तों नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी मोटर खरीदना हो तो डायरेक्ट नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और मुझसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। एंड दोस्तों हम लोगों ने नया फेसबुक पेज लॉन्च किया है, तो हम लोग फेसबुक पेज पे जा सकते हो, उधर भी बहुत एक्साइटिंग वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो उधर आप मुझको फॉलो कर सकते हो, एंड दोस्तों उसे वीडियो देख सकते हो इजीली। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों, एक नया वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी मिलूंगा। एंड दोस्तों 795 मोटर आ गया है तो उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से आएगा। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स।